आयुर्वेद में मात्र 5-7 चीजें कर ले, गिलोय पी ले, मान लीजिए एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, ये वैक्सीन तो नहीं, वैक्सीन कभी भी वो प्रभावी नहीं हो सकती उस रूप में, लेकिन गिलोय एक आदमी पी लेता है तो 100 बीमारियों से बच सकता है। अब कितनी बड़ी बात है, यद्यपि मैंने इस बात का इतना प्रचार किया है कि आज गिलोय एक बार ठीक ठाक आपूर्ति हो गई थी, लोगों ने लगा ली, बिली तो अब तो फिर जो है जैसे 5-7 बीमारियों के लिए तो बच्चे बच्चे को पता लग गया है कि सर्दी जुकाम बुखार कफ एलर्जी और डेंगू चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू, और किसी का प्लेटलेट्स कम हो जाए तो गिलोय घनवट्टी बेहतर है। फिर हमने उसका और दूसरे प्रयोग किए तो देखा कि डायबिटीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, तो एंटी डायबिटिक है और ये एंटी एजिंग भी है, एंटी डायबिटिक भी है। और हमने देखा कुछ लोगों को, हमने जिनकी डायबिटीज़ किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं आ रही थी, हमने उनको गिलोय का काढ़ा पिलाया, ताज़ी गिलोय का, या उनको गिलोय की गोली खिलाई, उनकी सच में डायबिटीज़ एकदम नॉर्मल आ गई, इंसुलिन तक लोगों का बंद हो गया, ये बड़ी बात थी। तो डायबिटीज़ के लिए, फिर ओबेसिटी के लिए, फिर स्किन के लिए, फिर बोन्स के लिए, बोन मेरो के लिए, बोन मेरो के लिए, बोन मेरो का किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर आपको देखने को मिले। एक ये होता है कि जो है प्लेटलेट्स घटने लगते हैं, देखो ब्लड के तीनों कंपोनेंट्स, चाहे वो प्लेटलेट्स हैं, चाहे WBC हैं या RBC हैं, तीनों को ठीक करती है गिलोय, या ब्लड कैंसर है, ब्लड के तीनों कंपोनेंट्स को भी ठीक करती है, और ब्लड के और जितने भी जो माइक्रो लेवल पर जो भी ब्लड की डेफिशिएंसीज हैं या उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें बढ़ घट जाती हैं, TLC DLC और तमाम तरह के, और वैसे तो हम तीन कंपोनेंट ब्लड के बोलते हैं, WBC RBC प्लेटलेट्स, लेकिन सारे तत्व ब्लड में ही होते हैं। माने न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वे विटामिन्स जो भी होते हैं सब ब्लड में होते हैं, और ये गिलोय जो है वो ब्लड के ऊपर असर करती है। अमृता, अ माने नहीं, मृता माने मरने देती है, अमृता जो अमर कर दे वो अमृता। अब बताओ गिलोय लेगा तो उसको, माने आप सोचो ना, स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं, मसल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्कुलर प्रॉब्लम से भी काम करता है, फिर जो है बोन्स की कोई प्रॉब्लम नहीं, बोन मेरो की कोई प्रॉब्लम नहीं, इम्यूनिटी को बढ़ा दे, इम्यूनिटी बढ़ने से तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती हैं। बाकी तो बात छोड़ो, जो गिलोय का सेवन करेगा उसको कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं हो सकती, सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के बचाओ रोगों का प्रिवेंशन, बार बार उल्टी दस्त फूड पॉइजनिंग ये वो सब उन्हीं को होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। यद्यपि बीमारियों के बहुत कारण माने जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत हाई होती है उसको कोई बीमारी होने की 99% संभावना नहीं रहती, तो आप सैकड़ों बीमारियों से बच गए।